हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे काफी भाई लोगों का एक कमेंट आ रहा था SBI के स्टेटमेंट को लेकर। भाई लोग पूछ रहे थे स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो फाइनली गाइस, मैं आपके कहने पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वही मेरी प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं और निकाल सकते हैं और यहाँ की डाउनलोड भी कर सकते हैं। फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हर काम मोबाइल से करके बताता हूं, तो चलिए ये भी मोबाइल से ही करके बताता हूं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है ऑनलाइन SBI। टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इसकी कुछ ऑफिशियल साइट आ जाएंगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर पहली साइट मिल जाएगी। तो आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है, मतलब इस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके नीचे आपको ये लॉगिन लिखा मिलेगा। तो आपको सिंपली इस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो आप इस लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप का, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको यूज़र नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और नीचे ये कैप्चा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता नहीं है तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि आप अपना यूज़र नेम कैसे पता कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वीडियो को देख के आप अपने यूज़र नेम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको डिटेल भर देनी है। चलिए मैं भर देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल भर दी है। तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन। तो आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, मतलब OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। तो OTP डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये पॉपअप टाइप का आ जाएगा, यहाँ लिखा होगा अपडेट योर ईमेल एड्रेस। तो अगर आप ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट नाउ और लेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली लेटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपके नीचे यहाँ पर कुछ अकाउंट नंबर और नेम, ब्रांच नेम, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो सिंपली आपको ऊपर ये तीन लाइन दिख रही हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सिंपली पहला ही वाला ऑप्शन, ये माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो पहला ऑप्शन अकाउंट समरी, उसके बाद नीचे देख सकते हो अकाउंट स्टेटमेंट। तो हमें स्टेटमेंट निकालना है, तो आपको सिंपली अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ जाएगा सिलेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट पीरियड। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको डेट में चाहिए या मंथ में चाहिए या साल भर का चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको 6 महीने का निकाल के बताता हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पर लास्ट 6 मंथ पर क्लिक कर देना है। लास्ट 6 मंथ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो व्यू का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर डाउनलोड इन MS Excel फॉर्मेट। तो आप व्यू पर करोगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हो, और आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली नीचे जो ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी PDF में आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली PDF पर क्लिक करके नीचे आपको गो और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना है। तो आप गो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हो चूज फाइल टू डाउनलोड, तो यहाँ पर आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करते हो कौन से फोल्डर में आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमारे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे कैंसिल और डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट्स आपके पास आ जाएगा PDF के फॉर्मेट में। तो आप यहां से आप अपना स्टेटमेंट्स देख सकते हो और जहां मर्जी चाहे वहां लगा सकते हो और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को एक अच्छा लाइक कर देना
और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।